सुबह का 6 बज गया गाइस, अभी भी कंटिन्यू टैटू बन रहा है। राणा अभी तक टिका हुआ, अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी बाहुबली निकला ये। सो गाइस फाइनली मेरी इतना बुरा हाय एवरीवन, माय नेम इज जयप्रकाश श्रीवास्तव। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, और आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज बना रहा हूं मैं काफी बिग साइज का टैटू। अगर मैं टैटू का प्रॉपर साइज बताऊं तो 115 स्क्वायर इंचेस का टैटू और पूरा कस्टमाइज डिजाइन, और ये टैटू बना रहा हूं मैं अपने स्टूडेंट के लेग पे। सो भाई राणा, कैसे प्लान हुआ आज तो इतना बड़ा टैटू कैसे बना रहा, और क्या ये कंप्लीट करवा पाएगा तू लास्ट तक? पूरा करवाऊंगा सर। पक्का? पूरा। भाई मैंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को टैटू किया है, मैंने इसके बैक पे बनाया है जिसने बोला था मैं कंप्लीट करूंगा, मैंने इसके हाथ पे बनाया इसने बोला मैं कंप्लीट करूंगा, किसी ने नहीं किया। बात मत करो बड़े बड़े। सर ये राणा बहुत समय से आपसे बनवाना चाह रहा था सर, तो मेरे को बोलता था कि सर से एक बार बनवाऊंगा टैटू करके। ये उसको कवर कर रहा है पता है, ये दोनों है ना, ये दोनों छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ये दोनों एकदम खास दोस्त है। इतना बड़ा जो है ना, इतना बड़ा 6 फीट 7 फीट का है, लेकिन इसको इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है, मतलब कैमरा देखो आप, कैमरा देखते अगर इसके सामने कैमरा चालू कर दिया तो ये इतना साई बन जाता है, इतना शर्माता है जिसकी कोई नहीं। तो अभी इसने बोला कि मैं बोलूंगा नहीं, तो इसके पार्टनर को बुलाओ, ये इसको कवर करने आया था। बोलते ना एक कहावत कौन सी, अपनी धुल नहीं दूसरे की धुल। क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिया तुमने एकदम। डिजाइन क्या है, तो डिजाइन हम बनाने वाले हैं ये वाला। तो ये पूरा एक कस्टमाइज डिजाइन है और एक कंसेप्ट है इसके पीछे, तो मैं आगे बता दूंगा। और इस टैटू को बनाने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इवनिंग हो चुकी है, अभी इवनिंग में हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट होते होते हमें लग जाएगी पूरी रात। हमेशा की तरह हम यही कुछ बनाएंगे खाएंगे और फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो भाई राणा स्टार्ट करें, पक्का कंप्लीट कराएगा ना? पूरा काम आ की कसम कंप्लीट कराएगा। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना, मैं नहीं बताऊंगा। फाइनली मेरी ट्रेसिंग हो चुकी है कंप्लीट, काफी बड़ा टैटू है तो टाइम भी काफी ज्यादा लगने वाला है। सो ये हमारा स्टेंसिल है और यहाँ पे हमारा आर्टिस्ट जो है वो हो चुका है रेडी, अपने कॉस्ट्यूम में आ चुका है, देखो आप बड़ा सेक्सी सा दिख रहा है। सो यहाँ पे हमारा सेटअप लग रहा है और सेटअप कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। बाकी कुछ हमारे मेहनती बच्चे जो कंटिन्यू लगे हैं काम करने, वो हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अपनी मशीन नहीं रखते, कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो फिलहाल मैं भी उन बच्चों की तरह मेहनती बनता हूँ और काम करता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज के दिन भी हमको पूरी रात लगने वाली है। राणा भाई को दर्द हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, मत टेंशन कर बाबू, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी निक को गया गाइस खाना बनाने के लिए, वो सर के लिए कुछ थड़कता भड़कता अच्छा सा भोजन लेने के लिए गए। टैटू बनाते ना गाइस कुछ बोलते नहीं है, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि मुझे बोलते जिंदा नहीं। हाँ मेरा भाई, भाई कैसा पेन तेरा? बहुत दुख रहा सर जी, तो अभी से कह रहा बहुत दुख रहा, बड़े बड़े मीटर हो जाएंगे यहाँ बेटा, अभी खड़े खड़े जो बड़ा वाला स्टेंसिल है वो स्टार्ट कर देंगे और पूरी नाइट लगने वाली इस टैटू में, बने रहो हमारे साथ वीडियो में। हम लोगों ने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, हमारी चाय पी ली है क्योंकि टाइम हो चुका है काफी ज्यादा, चाय बनाई क्योंकि मेरे जो ओट है चिपक रहे, इतनी मीठी चाय थी। ने बनाई ये चाय सर, नीचे का जो ड्रैगन वाला पार्ट वो ऑलमोस्ट हो गया है उसपे, और थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, सो उसपे डेप्थ डाल के फाइनल टचअप करते हैं और ऊपर वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना तू? अरे बिल्कुल चकाचक चकाचक, अभी उठाता हूँ मशीन पे इसको लगाता हूँ चकाचक। हमारा निको भाई खाना बनाने के लिए गया था, आ चुका है वो खाना बना के। क्या लाया भाई बना कर तू? चिकन। चिकन लेग पीस खाएगा मेरा भाई यार। राणा राणा को दर्द हो रहा है मगर कुछ बोल नहीं रहा, मगर भाई तो गई हमारी
टैटू का जो नीचे का पार्ट था ड्रैगन वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसको मैंने कवर किया है क्योंकि पेन थोड़ा सा हो रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट है डीडी का जो स्कल्पचर है उस पे काम मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। टैटू बहुत लंबा सेशन होने वाला है और रात हो गई है, तो मेरा बेस्ट वर्क देने की मैं कोशिश करूंगा और ये शायद अभी भी हमें 4-5 घंटे लगेगा। हाँ भाई हमारा बस साथ दे दे तो आज का टैटू आग लगा देंगे। आग अमला कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। को बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सब्जी बना के लाया, मेरे लिए पास्ता बना के लाया मेरा भाई। वीडियो कॉल पे था सर ये, अभी वहाँ पे फोन अंदर रख के और चार लेके आया। बंदी वंदी नहीं है सर, पटाना है। पटाना है बोल रहा है निको के लिए। कोई सी अच्छी सी बंदी, किस टाइप की बंदी चाहिए बताना भाई। अरे मिल जाए वही बहुत है भाई। क्या दिन आ गए यार गाइस, क्या दिन आ गए हमारे, बात ही खराब रह रही है अब तो यार। अरे भाई पेन के साथ अपना कुछ भी नहीं, नाइट के हो रहे हैं 2 और अब हम लोग खाने वाले हैं खाना, क्योंकि निको भाई बहुत टेस्टी से सब्जी बना के लाया, बहुत मेहनत की है उसने खाना बनाने में। और मेरा भाई राणा भी कंटिन्यू लगा हुआ है, अक्की भाई ने पहले ही खाना खा लिया। और राणा भाई जरा टैटू दिखा देना, पूरा प्लाज्मा हो रहा है, सो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है टैटू का। राणा बैठेगा ना लास्ट तक, पूरा बैठेगा। राणा भाई को थोड़ा सा सर जो है दुखने लगा क्योंकि सब बंद है, रात का टाइम है तो लाइटें वगैरह भी ऑफ है, तो हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया। इसी बात डिनर कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं काम। तो गाइस नाइट काफी ज्यादा हो गई, नाइट क्या मॉर्निंग ही होने वाली है, सॉरी। सुबह का 6 बज गया गाइस, अभी भी कंटिन्यू टैटू बन रहा है। राणा भी तक टिका हुआ, अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी बाहुबली निकला ये। इवनिंग में स्टार्ट किया था 6:30-7 बजे और अभी भी बजने वाले हैं लगभग 6-12 घंटे होने वाले हैं। हो गए 6 बज चुके, 12 घंटे अप्रोक्स हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू काम चल रहा है। तो मशीन हमारी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसलिए तो हमने दूसरी मशीन लगाई और अब हम फिर कंटिन्यू करने वाले काम। तो राणा तो आज का बाहुबली शेर है अपना। राणा कैसा है? बढ़िया, अभी तक बस थोड़ा बहुत और काम बचा, वो भी कंप्लीट होने वाला। चाय पीते हैं गाइस, ये देख सकते हो आप कितनी सूझ रही है। अगर चाय पियेंगे ना आपको नॉर्मल अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। आग लगा दी। गाइस गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का 8 बज रहा है, अभी टैटू कंप्लीट हो चुका है, राणा भी सो गया है और सर भी सो गए हैं, वो देखिए सर सो गए हैं, उनको नींद आ रही थी, काफी थक गए हैं और मैं भी थक गया हूँ, अब मैं भी सोता हूँ। छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। फाइनली हम लोग का टैटू जो है वो कंप्लीट हो चुका है और एक लंबा सेशन रहा, टैटू का रिजल्ट बहुत ज्यादा प्यारा आया। तो हमने एक स्कल्पचर से रिलेटेड टैटू किए थे और पूरा रियलिस्टिक बनाने की मैंने कोशिश की, तो पूरी रात लग गई इस टैटू को कंप्लीट करने में। भाई कैसा लगा टैटू? बहुत शानदार लगा भाई को। भाई हमारा स्टूडेंट है जो यहाँ पे टैटू कर रहा है, तो बहुत टाइम से वो बोल रहा था एक टैटू बनाने का, तो फाइनली हम लोग को एक डिजाइन बनाया हमने जो सभी को बहुत पसंद आया, तो हमने उसका टैटू उसका फाइनल लुक दिख जाऊंगा। भाई तू हैप्पी है ना? टैटू फाइनल हो चुका है, बट जब व्हाइट का टाइम आया तो व्हाइट के टाइम पे वो बनवाया नहीं, उसने भाग गया, दर्द हो रहा था। भाई क्यों भागा तू? कोई नहीं, लेकिन हमारे टैटू का रिजल्ट बहुत अच्छा, तो दिखाते हैं हम इसका फाइनल लुक। वाओ, वेरी फैंटास्टिक। फ्री तो हम लोगों ने पूरी नाइट काम किया, मॉर्निंग में हम लोग फ्री हो गए थे, हम लोग घर गए फ्रेश वगैरह होके आ गए, बट स्टूडियो में कंटिन्यू अपॉइंटमेंट चल रही थी। तो फाइनली अभी राणा आ गया तो उसके टैटू के हमने फाइनल शूट ले लिया और अभी हम लोग सब थक चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। सो ब्लॉग अगर आप सभी को पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज का स्कल्पचर टैटू कैसा लगा।
तो राणा आज तू ये टैटू क्यों बना रहा है? सर